हेलो गाइस गाइस, आज हम आपको पिस्टन की रिंगे डालना दिखाते हैं, कैसे पिस्टन की रिंगे डालते हैं। तो गाइस, आज हम कंप्रेशर हेड की रिंगे डालेंगे। तो दोस्तों, ये रिंगे 147 इसके प्राइस है, और दोस्तों आपको दिखा दें कौन सी कंपनी की है। तो दोस्तों, उषा कंपनी के पिस्टन रिंग्स। तो दोस्तों, इसमें ये कुछ तीन रिंग होते हैं, देख सकते हो आप। तो चलो करते हैं वीडियो स्टार्ट, वीडियो एंड तक देखना। तो दोस्तों, हमने अच्छे से सफाई कर ली है सारे सामान की, और आप देख रहे हो अच्छे से मैंने साफ़ कर लिया सारे सामान को, और फिट करेंगे। तो दोस्तों, अच्छे से पहले ऑयल लगा लें, फिर दोस्तों मैंने पिस्टन के अंदर रिंग डाल दी है, और आपको दिखाते हैं कैसे बढ़ाते हैं इसको। उसके बाद दोस्तों, आप रिंग क्लंप ले लें, रिंग क्लंप को अच्छे से टाइट कर लें। अच्छे से टाइट करने के बाद दोस्तों, बड़े ध्यान से करना है दोस्तों, रिंग टूटना नहीं चाहिए। फिर इसको फिट करें बीच में, और फिर थोड़ी से इसको चोट लगाएं, पहले साइड में फिर बीच में, आराम से पिस्टन बैठ जाएगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों, आपने क्या करना है, इसकी जो प्लेट है उस पर अच्छे से कोई ट्यूब लगा लें, जिससे ऑयल लीक ना हो। तो दोस्तों, ये रिंग है इसका, ये रिंग पे मैंने ऑयल लगा लिया। तो दोस्तों, ये बैक प्लेट है इसकी, जिस पे मैंने रिंग लगाया। आप देख सकते हो, तो उसके बाद दोस्तों हम बैक प्लेट फिट करेंगे। आपको बैक प्लेट फिट करनी है, तो अच्छे से बैक प्लेट फिट कर ली हमने। फिर इस पे 13 नंबर बोल्ट लगा दें दोस्तों, 4 बोल्ट आ दें दोस्तों इसके 13 नंबर के। मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ, 13 नंबर के 4 बोल्ट। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। तो दोस्तों, अगर आपको कोई चीज़ की ज़रूरत हो, पार्ट की कोई भी, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, ये जो बोल्ट है मैंने लगाए हैं, इसको अच्छे से टाइट नहीं करना है, नॉर्मल ढीला ही छोड़ देना है। और उसके बाद पहले फ्रंट प्लेट लगाएंगे हम। तो दोस्तों, ये फ्रंट प्लेट है इसकी, इसको हमने अच्छे से, ये जैन है दोस्तों इसका, जैन इस पर लगाया हम दोस्तों। हम इसे ट्यूब लगाएंगे खास सिर्फ, और फिट करेंगे। तो ये ट्यूब लगानी है हमने थोड़ी थोड़ी, जिससे और लीक ना हो। और फिर हमने प्लेट लगानी है दोस्तों, ये फ्रंट प्लेट है। दोस्तों, आप देख सकते हो, ये हमने फ्रंट प्लेट लगा दी है इस पर। अच्छे से बिठा लें दोस्तों इसको पहले, और फिर दोस्तों इस पर एलके वाले बोल्ट आते हैं, 6 नंबर एलके लगेगी दोस्तों। तो दोस्तों, ये कंप्रेशर हेड क्या काम करता है आपको बता दूं मैं। तो दोस्तों, ये प्रेशर बनाता है, जो कि प्रेशर बन के फिर पीछे टैंकी में जाता है, बड़ी गाड़ी की पीछे टैंकी में जाता है, उसमें इकट्ठा हो जाता है। फिर दोस्तों, जो ब्रेक वगैरह लगती हैं गाड़ी में, वो इसी की प्रेशर से बनी हुई की लगती है दोस्तों। जो ये प्रेशर बनाता है, उसकी वजह से दोस्तों ब्रेक लगती है गाड़ी में। तो दोस्तों, ये मैंने अच्छे से टाइट कर लिए। फिर आपने जो ढीले बोर्ड छोड़े थे, फिर वो टाइट करने हैं दोस्तों, जो मैंने डिले पोर्ट छोड़े थे वो टाइट करने हैं। अब इनको अच्छे से टाइट करना है दोस्तों, पहले मैंने डिले रखे थे, अब अच्छे से टाइट करने हैं। तो दोस्तों, ये टाइट कर चुका हूँ मैं, आप देख सकते हो। तो आप देखो, अब इस पर ये गरारी लगानी है दोस्तों, ये रखी मैंने गरारी। तो दोस्तों, ये नट है 24 नंबर, इसको अच्छे से टाइट करना है आपने। तो ये हो गया तैयार है दोस्तों, आप देख सकते हो। अब दोस्तों, ये अच्छे से जब इंजन के अंदर फिट हो जाएगा तो घूमेगा ये पिस्टन, इसका ऊपर नीचे होगा, प्रेशर बनेगा, प्रेशर सीधा टैंकी में जाएगा,
टैंकी से जो प्रेशर ब्रेक ब्रूक लगती है उसमें से डाउन होगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। तब तक के लिए बाय दोस्तों।